लॉकडाउन में, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी तक मेरी जो वीडियोस थी वो बहुत ही रेगुलरली नहीं आ रही थी, कभी आ रही थी कभी नहीं आ रही थी। उसका रीज़न मतलब बहुत कुछ है, जैसे कि मेरे पास अच्छी क्वालिटी का फ़ोन नहीं था, जिसकी वजह से मैं रेगुलर अपनी वीडियोस नहीं बना पा रही थी और मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो अब ये प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व, क्योंकि मैंने ले लिया है न्यू फ़ोन। तो जो मैंने ये न्यू फ़ोन लिया है, तो मैंने सोचा मैं ये अपनी जो खुशी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए, मैंने इसको खोल के अभी तक देखा भी नहीं है, मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों के साथ ही खोलूँगी और आप लोगों के साथ ही देखूँगी। तो चलिए अपने इस फ़ोन की करते हैं हम अनबॉक्सिंग, देखते हैं ये फ़ोन हमारा कैसा है। जैसा कि आप लोग देख लो, इस फ़ोन तो ये रहा, ये भी कुछ है, इसको भी खोल के देखते हैं क्या है। ये फ़ोन का कवर है, कवर की क्वालिटी मतलब काफ़ी अच्छी है, अच्छी है। ये रहा हमारा फ़ोन, फ़ोन को खोलते हैं। वाओ, लुक एट दिस, मतलब कि इसका कलर बहुत ही अमेजिंग है। मतलब मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया, पर्पल कलर का, ग्लॉसी टाइप का, मतलब बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, इसमें हमें ये चार्जर मिला है, चार्जर की भी क्वालिटी अच्छी है। कैमरा देख लीजिए, और नीचे इसका ये फ्लैश लाइट का दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। तो अनबॉक्सिंग तो हो गई, मतलब कि ये वाला वीडियो मैं अपने न्यू फ़ोन से शूट कर रही हूँ। देखिए इसकी क्वालिटी देखिए, मतलब बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल मतलब क्लियर साफ वीडियो आ रही है। आप लोगों को जैसे कि देखने में भी पता चल रहा होगा। तो आज मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है, इतने सालों की तपस्या पूरी हुई है, मतलब कि बोलते बोलते कि अब फ़ोन लेना है। तो फाइनली अब मुझे फ़ोन, मेरा न्यू फ़ोन मुझे मिल चुका है। तो मैं आज तो मतलब सातवें आसमान पे हूँ, बहुत ही खुश हूँ मैं। मतलब मेरे चीक्स देखिए, मतलब खुशी बयान नहीं हो रही है, बहुत ही खुश हूँ। तो इसी खुशी में मैंने सोचा क्यों ना मैं आज सबके लिए कुछ बनाऊँ। तो मैं जा रही हूँ आज मैक्रोनी बनाने, घर सामान देखती हूँ है कि नहीं, जो जो होगा उसी से बनाऊँगी। चलिए मैक्रोनी बनाते हैं। तो मैंने ले लिए ये मैक्रोनी और पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, ये गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट एंड रिफाइन ऑयल। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल और ये डाला हमने सॉल्ट। अब हम इसमें अपनी मैक्रोनी को डाल देंगे और इसको बॉईल होने तक हम इसको छोड़ देंगे। तब तक हमारी मैक्रोनी बॉईल होती है, तब तक हम कुछ ये चॉपिंग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया है ये प्याज जो 3 है, टोमेटो, मैगी मसाला, मिर्च, अदरक और ये 4 से 5 कलियाँ, 4 से 5 नहीं ज़्यादा ही है, लहसुन की। अब इसे हम क्या करेंगे, चॉप कर देंगे अच्छे से। मेरे पास वेजिटेबल्स नहीं है, अवेलेबल नहीं थी, तो मैं नहीं डाल रही हूँ, आप लोग डाल सकते हो। हमने इनको चॉप कर लिया है, टोमेटो को ऐसे कट कर लिया है, अदरक और लहसुन को मैंने कूट लिया है। इसमें डाल के हमारा मैक्रोनी भी हो चुका है बॉयल। हमें इसको ज़्यादा नहीं करना है, बस जब ये ऐसे दबने लगे ना उतना ही बस करना है। अभी ये बाकी है थोड़ा सा, तो हम इसको और बॉईल करेंगे अभी। तो हमारा ये मैक्रोनी बॉईल हो गया है, पीछे लाइट आ रही है, निकाल नहीं सकते हैं, मतलब वहीं पे रहता है। तो ये हमारा मैक्रोनी हो चुका है बॉईल, अब हम इसको निकाल लेंगे।
हमने अपने माइक्रोनी को निकाल लिया है, हमने सेम कढ़ाई रख दी है। अब इसको हम गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। अब हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का ये जो मैंने कूटा था ना, इसको डाल देंगे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये प्याज। ये लहसुन, नहीं लहसुन नहीं, मिर्च। हमारी मैक्रोनी तो अभी मतलब फ़िलहाल मैंने उसको रख दिया है भूनने के लिए, वो हो रही है। तो मैंने सोचा मैं ना क्यों ना मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ, तो अपना रूम दिखा दूँ। ये है मेरा रूम जो हमेशा ही कूड़ा कबाड़ा की तरफ पड़ा रहता है। मतलब ऑलमोस्ट मैं कभी कभी संडे को ही साफ़ करती हूँ, बट ये ऑलमोस्ट टाइम ऐसे ही रहता है। इधर मेरी बुक्स है, इधर मेरा ये बैग है जिसको मैं लेके जाती हूँ स्कूल, तो ये इधर अलमीरा जिसमें मेरे कपड़े रहते हैं। बस यही था मेरा रूम। बाकी मैं किसी दिन अपने पूरे घर का ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी और अपना घर भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं मेरा मैक्रोनी जल तो नहीं रहा है। ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, ऑलमोस्ट भून चुका है, थोड़ा सा और भूनेंगे बस। और उसके बाद हम इसमें ये टमाटो अपने डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे अपने टमाटो। डालेंगे हल्दी, नमक 1 टेबल स्पून, अपना और डालेंगे अपना मैगी मसाला, और थोड़ा सा डाल देंगे पानी ताकि ये जो टमाटो है ये थोड़े जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ये है बेटू हमारे घर की। ये फिलहाल अभी कर रही है मेकअप। बारिश आ रहा है, देखिए अभी धूप है लेकिन इनको लग रहा है बारिश आ रहा है। इनकी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये फिलहाल अभी कर रही है मेकअप अपना। ये कर रही है अपना मेकअप, पाउडर वगैरह लगा रही है ये। इनको जो भी मेकअप का सामान मिल जाता है, मतलब लिपस्टिक मिल जाए या फिर जो भी पाउडर वगैरह मिल जाए, ये लेके उसको लगा लेती हैं। तो हाय बोल दो सबको। हाय एवरीवन, बाय बाय। इन्होंने बाय भी बोल दिया, इनका भी मतलब बात करने का मूड नहीं है तो इन्होंने बाय बोल दिया। तो इनका कुछ नहीं कह सकते, मतलब कह सकते हैं अभी धूप हो रही है लेकिन ये कह रही है कि बारिश हो रही है, तो इनके मूड का मतलब कोई ठिकाना नहीं है। तो जैसे कि ये हमारा भुन चुका है, तो अब हम डालेंगे इसमें अपनी मैक्रोनी। ये हमारा टोमेटो, ये मसाला अच्छे से हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मैक्रोनी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये मैक्रोनी मैंने इसमें डाल दिया, अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। ये हमारी मैक्रोनी बनके तैयार हो गई है, अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरा मैक्रोनी बनके हो गया है तैयार, तो मैं तो जा रही हूँ अब इसको खाने और लोगों को देख कर आती हूँ। तो मैंने मैक्रोनी बना भी ली, खा भी ली, मतलब ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, जैसे सब नॉर्मल बनाते हैं वैसे मैंने भी बनाया था, मतलब नॉर्मल चीज़ें जो अवेलेबल थी उससे मैंने बनाया। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पे पहले से हैं वो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।